नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है और देखते हैं कि क्यों दफनाई जा रही है 7 करोड़ की कार। ब्राजील के अमीर और शक्तिशाली लोगों में गिने जाने वाले थाने चिकनाहो स्कार्पा ने घोषणा कर सनसनी फैला दी है। स्कार्पा ने अपनी 10 लाख डॉलर कीमत की बेंटले कार को दफनाने की घोषणा की है। उनकी इस इच्छा के पीछे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वे इस महंगी कार को इसलिए दफनाना चाहते हैं कि वे मरने के बाद इस कार में घूम सके। इस घोषणा के बाद उनकी मीडिया में खूब आलोचना हुई और उन्हें पागल तक करार दे दिया गया। मीडिया में कहा गया कि इतनी कीमती चीज को दफन करना पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन स्कार्पा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वे अपने काम में लगे रहे। लेकिन इस पूरे मामले में रोचक मोड़ तब आया जब स्कार्पा ने कार को दफन करने के पीछे अपनी असली उद्देश्य का खुलासा किया। उन्होंने कार की अंत्येष्टि की पूरी तैयारियां भी कर ली थी, तभी उन्होंने बताया कि ये सब एक ड्रामा है। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि लोग मेरी बुराई कर रहे हैं कि मैं इतनी कीमती कार को दफनाना चाहता हूँ। वास्तव में लोग मेरी कार की तुलना में कुछ ज्यादा मूल्यवान चीजें दफन करना चाहते हैं। लोग अपना बहुमूल्य दिल, लीवर, फेफड़े, आंखें, किडनी रोज दफनाते हैं, जो बहुत गलत है। बहुत सारे लोग अपने स्वस्थ अंगों का प्रत्यारोपण करने के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका जीवन बच सके। मैंने प्रण किया, आप भी प्रण करें कि अपने अंगों का दान करेंगे ताकि मृत्यु के बाद भी हमारे अंग किसी के जीवन को बचा सके।